जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली मोहम्मद खान साहब के वकील हाजरात हमारे पास मौजूद हैं। एडवोकेट अली जमान साहब ने कल एक बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसको अली जमान साहब जो है वो खुद लीड कर रहे थे, तो उनसे इस हवाले से जानते हैं और उनसे ये भी जानते हैं कि एंटी करप्शन और जितने भी केसेज उन्होंने हैंडल किए अली मोहम्मद खान साहब के, वो उस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह करें और जो प्रोसीजर्स चल रही हैं उसके हवाले से इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि सबको मालूम है अली मोहम्मद खान साहब पिछले 11 मई से अरेस्ट हैं। पहले उनको 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। जो ही अली मोहम्मद खान साहब जेल से निकले, उनको फिर अडियाला जेल 3 MPO की तरह MPO के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उनको इज्जत मिली और लाहौर हाई कोर्ट ने वो 3 MPO भी कारागम करा दिए। उसके बाद पेशावर पुलिस ने एक बैक डेट में एक वारंट इशू करके अली मोहम्मद खान साहब को अडियाला जेल से गिरफ्तार करके पेशावर ले जाए। उसके बाद हम वकला ने 3 MPO के तहत उनके लिए रिट फाइल की, जो कि अल्लाह के फजल से मंजूर हो गई, लेकिन अली मोहम्मद खान को अनलकी रिहाई ना मिली और उनको पेशावर सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार करके मर्दान मुंतकिल किया गया। वहाँ पे उनको 833 FIR में अरेस्ट किया गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ATC के जज मर्दान में, मेरे ख्याल में पीर उबैदुल्लाह शाह का नाम है, उन्होंने मेहरबानी की और कानून की बालादस्ती को देखते हुए उन्होंने अली मोहम्मद खान को 833 FIR में डिस्चार्ज किया। फिर भी इंतज़ामिया ना समझी और अली मोहम्मद खान को एक दूसरे फेक केस में गिरफ्तार किया, जिसका इल्लत नंबर 1 है और वो एंटी करप्शन मर्दान में रजिस्टर था, जिसमें अली मोहम्मद खान का कोई तुक भी नहीं बनता था, क्योंकि उन पे जो एलिगेशन लगाए गए थे वो सरासर गलत झूठ थे और उनके सिग्नेचर भी फेक पाए गए। एनी हाउ इंतज़ामिया अली मोहम्मद खान की रिहाई में रुकावट बनी हुई थी, जिसके लिए हमने पहले भी रिट फाइल किया था। उसमें उन्होंने झूठ बोला और हमें एक लिस्ट जमा दी गई कि इस इल्लत नंबर 1 AC मर्दान के अलावा इसके खिलाफ दूसरा FIR नहीं है। लेकिन 27 तारीख को जब एंटी करप्शन जज ने अली मोहम्मद खान को जमानत दी, तो फिर एंटी करप्शन ने वालों ने फेक FIR किया कि अली मोहम्मद खान ने कोई टेक होम रेटों में गपले किए और उनको अरेस्ट किया। हमने उसमें भी बेल जमा किया और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि कल जो उनकी तारीख है तो उसमें बेल हो जाए, लेकिन हमें खदशा था कि इंतज़ामिया अली मोहम्मद खान को नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ती, सबको मालूम है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है प्रेस क्लब में, उसको छोड़ दिया जाता है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो इमरान खान साहब को छोड़ते हैं तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, जैसा कि सबको मालूम है, पश्तून है और पश्तून एक ही ज़ुबान को जानते और एक ही ज़ुबान के लोग होते हैं, तो वो खान साहब को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से हमने पेशावर हाई कोर्ट में इस बाबत एक रिट फाइल की कि चूंकि पिछली दफ़ा इंतज़ामिया ने हमें झूठ बोला था कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, और फिर एक मनगढ़ंत FIR नंबर 3 में उसको अरेस्ट किया गया। 5 तारीख को जब हमारी रिट लगी, तो जज साहिबान ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए अली मोहम्मद खान को किसी भी केस में अरेस्ट ना करने का हुक्म जारी किया है, जो कि जिससे साबित होता है कि कानून की बालादस्ती अब तक मौजूद है और हमारे जज साहिबान किसी प्रेशर में नहीं आ रहे। इंशाल्लाह उम्मीद रखने कि इसके बाद इंतज़ामिया या जो भी लोग हैं वो संभल जाएंगे, अगर नहीं संभलते तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं और हम पूरी उम्मीद है कि अदालतें कानून के मुताबिक फैसला करेंगी और इनकी ये सारी मनगढ़ंत FIR को ख़त्म करेंगी। तमाम कौम से दुआ की अपील है कि वो काइंडली दुआ करें कि अल्लाह खान साहब की हिफाजत करे और अली मोहम्मद खान की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन हो। बहुत शुक्रिया।